ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज्यादा अच्छे मॉइस्चराइजर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि ऑयली कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल स्किन टाइप वाले लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और मैं इस मॉइस्चराइजर को अप्रॉक्स 5 मंथ से यूज कर रही हूँ। एंड दिस इज इनिसफ्री ग्रीन टी बैलेंसिंग लोशन एक्स। ये एक लाइट वेट लोशन है, बट ट्रस्ट मी ये इतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और आपकी स्किन को इसके अलावा इसके बाद किसी भी हैवी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे डे टाइम, नाइट टाइम कभी भी यूज़ कर सकते हैं और आपकी स्किन पर ये ऑयल भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। आपकी स्किन स्टिकी भी फील नहीं होगी, हैवी भी फील नहीं होगी और ये काफ़ी सारे स्किन इश्यूज़ को हैंडल करने में भी हेल्प करता है। इसके अंदर जेजू आइलैंड का ग्रीन टी यूज़ हुआ है एंड ये लाइट वेट लोशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इजीली क्विकली स्किन में अब्जॉर्ब होकर स्किन को हाइड्रेट करता है और आपके स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है उसे बैलेंस करने में हेल्प करता है। ट्रस्ट मी दिस लोशन इज सो गुड। अगर आप क्वांटिटी देखेंगे ना, यू वोंट बिलीव कि मैं इसे 5 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी अभी भी लेफ्ट है और इसकी बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी लगती है। जस्ट सी, यू गाइज रेडी? सी, इसकी इतनी क्वांटिटी अभी भी लेफ्ट है, दिस मच। और मैंने 5 मंथ्स में सिर्फ इतना यूज़ किया है और मैं इसे डेली यूज़ करती हूँ, 2 बार, कभी कभी 1 बार भी यूज़ कर लेती हूँ एट नाइट, क्योंकि मुझे दिन में हैवी फील होता है, कभी कभी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है नोज के अराउंड, तो मैं दिन में मॉइस्चराइज़र कभी कभी स्किप कर देती हूँ जब मैं घर में होती हूँ तब। सो उसकी जगह पर मैं कोई लाइट जेल लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मॉइस्चराइज़र ही स्किप कर देती हूँ, कोई लाइट जेल लगाती हूँ बट लोशन या मॉइस्चराइज़र स्किप करती हूँ। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेकअप के पहले तो ये इतना अच्छा तरीके से स्किन को हाइड्रेट कर देता है कि इसके बाद मेकअप, आपका फाउंडेशन इतने अच्छे से ग्लाइड होता है और इसका इतना अच्छा ड्यूई इफेक्ट देखने को मिलता है। आई जस्ट लव द लुक। और डेली लाइफ में भी जब आप इसे यूज़ करते हैं तो इसे यूज़ करने के थोड़ी देर बाद ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लो आता है स्किन पर। आपकी स्किन का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी कम हो जाता है और स्किन का टेक्सचर भी रेगुलर यूसेज पर इवन होता जाता है। एंड अभी कुछ समय मैंने इसे स्किप किया था जस्ट बिकॉज मैं दूसरा स्किन केयर रेजिम फॉलो कर रही थी अभी के वेदर के हिसाब से, बट मुझे थोड़े से एक्ने हो गए अभी रिसेंटली समर्स की वजह से, तो मैंने इसे यूज़ करना फिर से स्टार्ट कर दिया। सिर्फ मैंने 15 to 20 days ही इसे स्किप किया था। आई जस्ट लव दिस। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्किन का टेक्सचर इवन करने में हेल्प करता है, जो भी पिगमेंटेशन है उसे भी कम करने में हेल्प करता है और जो एक्ने है, पस है, उसे भी कम करने में हेल्प करता है। और ये आपको यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपको सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना है या फिर आप सनस्क्रीन स्किप करना चाहते हो, सनस्क्रीन क्यों, कब, कैसे नहीं यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए उसकी एक सेपरेट वीडियो है, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को देखिए एंड उसमें आपको सनस्क्रीन्स किस तरह से यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, परफेक्ट लोशन काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी और बहुत ही ईजिली स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ और ये अभी आराम से मुझे 2-2.5 महीने लास्ट करेगा। लेट्स ओपन दिस। इसके ऊपर एक छोटा सा सील काइंड ऑफ आता है जो कि आप चाहे तो हटा सकते हैं, बट मैं उसे रहने देना प्रेफर करती हूँ, बट वो मुझसे कहीं गिर गया था सो आई लॉस्ट इट, बट कोई बात नहीं। दिस इज हाउ इट लुक्स। मैं बस 4-5 ड्रॉप लूंगी। स्किन केयर कभी भी थोड़ा थोड़ा करके यूज करें। आप बिल्ड कर सकते हैं बट अगर एक साथ आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी यूज कर ली तो फिर उसके बाद उसे कम करना स्किन में से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो यू कैन सी इस तरह का लोशन मिल्की काइंड ऑफ दिखता है, अब ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। सो बिल्कुल भी हैवी नहीं है। एक बार जस्ट स्प्रेड कर लिया, रब नहीं करना है, स्प्रेड किया जस्ट 1 or 2 times एंड देन इस लोशन को अप्लाई करने के पहले मैंने फेस वॉश कर लिया है, देन उसके बाद आइस फेशियल किया है, टोनर अप्लाई किया है, एंड नाउ आई एम अप्लाइंग दिस लोशन। अगर आप इस तरह से प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं टैपिंग मोशन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं करते हैं तो करके देखिए, ट्राई कीजिए और फिर बताइए कि आपके प्रोडक्ट्स जो है आपकी स्किन में कितने इजीली और कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई अच्छे से टिप्स हो मॉइस्चराइजर को लगाने की तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। यू कैन सी मैंने हार्डली 5 ड्रॉप्स यूज़ किए एंड दैट्स इट। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो गया, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, वेरी लाइट वेट, परफेक्टली हाइड्रेट कर दिया, नरिश कर दिया। बस इसके बाद अब मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी। मैंने सिंपल बेसिक स्टेप्स फॉलो किए हैं, फेस वॉश, आइस फेशियल, टोनर एंड दिस लोशन, दैट्स इट। और ये मेरी स्किन को यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह भी काम करेगा, यानी कि एक्ने से भी प्रिवेंट करेगा। कोई अगर पस वाले एक्ने होंगे तो उन्हें भी हटाने में हेल्प करेगा, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी देगा। और वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट इनिसफ्री एज एन ब्रांड, क्योंकि उसके प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा फस फ्री होते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। अगर आपको ये इशू है तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, अगर आपको वो इशू है तो आप वो प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, दैट्स इट। यानी कि अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल स्किन है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके स्किन को बैलेंस रखने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा और स्किन को ग्लोई बनाएगा। सेम विद अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इनिसफ्री, जो भी आपका टारगेटेड स्किन कंसर्न है उस हिसाब से प्रोडक्ट्स रहते हैं, आप उसे यूज़ कीजिए एंड यू विल गेट अ वेरी गुड हेल्दी लुकिंग स्किन। दिस लोशन इज एक्चुअली माई होली ग्रेल, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है और ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले लोगों को यही तो चाहिए कि उन्हें कोई भी अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज भी कर दे, हाइड्रेट भी कर दे, बट स्टिकी ना हो, हैवी ना लगे, ऐसा ना लगे कि उनकी स्किन सांस ही नहीं ले पा रही है। ऑलरेडी मैं इसे काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम श्योर कि अभी मैं इसे कुछ समय कंटिन्यू यूज़ करूँगी, क्योंकि अभी समर्स है और मुझे समर्स में थोड़े बहुत एक्ने हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा एक्ने को कम करने में और स्किन का टेक्स्चर इवन करने में और स्पॉट्स को भी थोड़ा सा लाइट करने में भी ये हेल्प करता है। अगर आपको कोई ऐसा मॉइस्चराइजर चाहिए जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करे, आपकी स्किन के टेक्सचर को मेंटेन करे, आपकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन करे, आपको एक थोड़ा सा सपल ड्यूवी ग्लोवी लुक दे, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कीजिए। इसका प्राइस है 1200 रुपीज़ फॉर 160 ml ऑफ क्वान्टिटी, बट यू कैन सी मैं इसे 4 to 5 months से यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी। और अभी मैं और 2.5 months इसे यूज़ कर सकती हूँ ईजिली। सो प्राइस पॉइंट भी सही है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम लगती है और बहुत ज़्यादा समय तक ये लास्ट करता है। जिस तरह से ये लोशन बिल्कुल फस फ्री है उस तरह से रिव्यू भी बिल्कुल फस फ्री था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये स्किन कंसर्न्स के हिसाब से जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया उसके लिए ये लोशन बिल्कुल परफेक्ट है। आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हैं और आपको आपकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन रखने में हेल्प करेगा, प्लस एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी देगा। तो एंटी बैक्टीरियल होने की वजह से जो बैक्टीरियाज है वो ही नहीं फॉर्म होंगे, या फिर अगर फॉर्म हो गए हैं तो वो कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो आपकी जो स्किन कंसर्न्स है, स्किन इश्यूज है, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपके लिए ये रिव्यू हेल्पफुल होगा। और अगर आप इस लोशन को बाय करना चाहते हैं तो परचेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपके पास ऐसा कोई रेकमेंडेशन है मेरे लिए, इससे मिलता जुलता कोई लोशन या कोई मॉइस्चराइजर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑल्सो आपको नायका एंड मिंत्रा पर बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे इनिसफ्री के प्रोडक्ट्स पर, तो आप ध्यान दीजिए। जब भी आपको कोई अच्छी सी ऑफर या कोई अच्छा सा गिफ्ट सेट मिल रहा हो तब आप इजिली बाय कर सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम पर भी अपडेट कर दिया करूंगी जब भी कोई अच्छी ऑफर आएंगी, और अपडेट कर ही देती हूँ। सो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर रहे हैं। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल Zohainsight। विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।